हेलो दोस्तों, फिर से यूट्यूब पे कुछ न्यू न्यू अपडेट्स आ चुका है। और अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो इन अपडेट के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। तो दोस्तों, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, ये जो पहला अपडेट है ये अभी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं किया गया है। अभी YouTube इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद ये लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अपडेट क्या है चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग को ये पता होगा कि जब हम लोग अपने YouTube चैनल पर नया वीडियो यानी रिसेंट वीडियो कोई भी अपलोड करते हैं तो उसका यहाँ पे रैंकिंग दिखाता है, 1/10 करके रैंकिंग दिखाता है। और जिस तरीके से हमारा रिसेंट वीडियो परफॉर्म करता है उस तरीके से 1/10, 1/कुछ भी दिखाता है। अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो 1 दिखाता है, अगर बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्म करता है तो 10 दिखाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे YouTube ने इसको अपडेट किया है। क्या अपडेट किया और क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं और अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हम लोग को अंदर से भी खुशी होती है कि हाँ बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों, अगर गलती से अगर वो जो वीडियो है अच्छा नहीं परफॉर्म करता है, टॉप 10 में चलता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम लोग इतना मेहनत से वीडियो बनाए, इतना अच्छा से एडिट किए हैं, फिर भी ये टॉप 10 पे चल रहा है यानी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा खराब है, और हम लोग अंदर से डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो दोस्तों, YouTube को भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्रिएटर डीमोटिवेट हो जाते हैं इस रैंकिंग की वजह से। तो दोस्तों, YouTube ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये जो आपको 1/10 दिखता है यानी रैंकिंग जो आपको दिखता है ये यहाँ पे हटा देगा। अगर आप यहाँ पे जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, आपको सिर्फ व्यूज़ दिखेगा, जितना भी व्यूज़ आया है, लेकिन 1/10 करके जो रैंकिंग दिखता है ये दिखने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये अपडेट आपको कैसा लगा आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जो दूसरा अपडेट है वो है कॉमेंट्स रिलेटेड। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि मैंने वीडियो बनाकर आप लोग को बताया था कि कमेंट से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बड़े बड़े क्रिएटर आपके चैनल पे कमेंट करते हैं तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं, यानी कमेंट को फिल्टर करने का बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल गया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो से आप बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, उससे आप सब्सक्राइबर भी इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं वीडियो को देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। और दोस्तों, ये जो तीसरा अपडेट है ये है यूट्यूब एप्लीकेशन से रिलेटेड। दोस्तों, आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि अभी आप कोई भी चीज़, कोई भी कीवर्ड अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं और आप उस कीवर्ड पे जो भी वीडियो देखते हैं वही सर्च पे वहाँ पे उस वीडियो का थंबनेल भी दिखता है। तो दोस्तों, ये भी अपडेट बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग कीवर्ड सर्च करते हैं और उनको पता नहीं होता है कि इस कीवर्ड पे हम लोगों ने कौन सा वीडियो देखा था, तो वहाँ पे आपको थंबनेल दिखता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने एक स्पेसिफिक कीवर्ड से आपने कौन सा वीडियो देखा है। तो दोस्तों, ये अपडेट आपको कैसा लगता है आप ये भी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट अपडेट के बारे में यानी चौथे अपडेट के बारे में। दोस्तों, ये चौथा अपडेट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। आप लोगों को पता होगा कि 1 नवंबर आने वाला है और YouTube आप लोगों को हमेशा ये बता रहा है कि आपको 1 नवंबर से पहले अपने YouTube चैनल पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल कर लेना है। अगर आप नहीं ऑन करते हैं तो आप YT Studio एप्लीकेशन को या फिर YT Studio क्रोम ब्राउजर में यूज़ नहीं कर पाइएगा। और दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि 2-स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करना है अपने YouTube चैनल पे, तो इसमें मैंने 2 वीडियो बनाए हैं और दोनों वीडियो में मैंने अलग अलग तरीका बताया है जहां से आप अपने YouTube चैनल पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन को बहुत ही आसानी से इनेबल कर सकते हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आपको दोनों वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आपको इन अपडेट में से सबसे यूजफुल अपडेट आपको कौन सा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो है कम्युनिटी टैब से रिलेटेड। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी 500 सब्सक्राइबर पे कम्युनिटी टैब मिलना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि कम्युनिटी टैब को यूज़ करके हम लोग अपने वीडियोज़ पे व्यूज़ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपने चैनल पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कम्युनिटी टैब से रिलेटेड पूरा फुल ट्यूटोरियल मैं लाने वाला हूँ। तो उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना चाहिए, उससे आप अपने वीडियोज़ पे व्यूज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी कम्युनिटी टैब को यूज़ करके। तो दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।